हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटन। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज की उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेइंग पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। आज इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर भी आपके बारे में सोच रहे थे, काफ़ी ख्याल लगा रहे थे, या फिर ख्यालों में आप थे, लेकिन समाओ कहीं पे कुछ काम कुछ चल रहा है, कुछ है, बट अचानक से आपका नाम सुनना ही देना, दिखाई देना, और कुछ तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे जहाँ पे ये खुद हैरान थे। आज की एनर्जी में अजीब सी तड़प है, ऐसा लगता है कि इनकी मिलने की इच्छा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, लेकिन खामोशी इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है। खामोशी इनकी तरफ से या आपकी तरफ से पता नहीं, कि मुझे ऐसा लग रहा ना कि दो लोगों का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे कनेक्टेड है, लेकिन एक है ना काफ़ी ज़्यादा शांत है जबकि उनके दिल में तूफान मचे हुए है, और एक है वो बेचैन हो रहे हैं और झटपटा रहे हैं कि बात करे, एक्सप्रेस करे वाली चीज़ है। पॉसिबल है ये आप भी हो सकते हो कि जैसे ना आप इतने तूफानों में भी शांत रहने की कोशिश में हो, या कोशिश कर रही हो, या शांत हो। मतलब आप नाराज़ नहीं है, आप दुखी है, आप अपसेट है, आप हॉट है, लेकिन ना आपको ये जो हो रहा है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तो आपके साथ गलत कर ही रहा है, लेकिन यूनिवर्स भी आपके साथ पता नहीं कौन से परीक्षा ले रही है। ऐसे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इनकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम पे आ रही है। जैसे जैसे मतलब टाइम बीत रहा है ना, जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, जो निग्लेक्ट किए जाते हैं या अवॉइड किए जाते हैं, कि चलो इसके खातिर उसके खातिर हम डिसीजन लेने से मना करते हैं या सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ में लेते हैं। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड मुझे बार बार फील हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़, या तो ये चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करे आप किसी बात के लिए, या आप आपकी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्टेड है, या फिर कुछ तो है। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन मुझे फील हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा एक ना फ्लेयर की एनर्जी है, लेकिन ना जैसे कुछ चिंगारी तो उठ गई है, धुआं सा हो रहा है, लेकिन अभी ना आग कभी भी लग सकती है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। इनिशियल एच हो सकता है इनके, पी डी एस वी। इनके मन में ना काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है। अगर मन में बेचैनी है तो कुछ लोग हैं ना जो कांटेक्ट करने की कोशिश में है, कि मन कर रहा है बात करे, जो भी है क्लियर करे, जो भी है एक्सप्रेस करे, मतलब जो भी है मन करता है, बस बात करने का मन कर रहा है, जो भी है, भले आप कुछ भी रिएक्ट करो, बट बस मन कर रहा है बात करने का। और कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा शांत है, मतलब इतनी बेचैनी हो रही है, फिर भी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखे हुए हैं। मतलब ये लोग खुद जानते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं, बट इनसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन कर रहे हैं। स्पेशली आपकी तरफ से, आपकी वजह से डरे हुए हैं, लेकिन आप या तो आपको क्या कहे, लाइक आपने कुछ मांगा है, कमिटमेंट या कोई डिसीजन मांगा है, वो नहीं हो सकता इसके लिए। मतलब जैसे आपने कहा हो कि भाई ये कमिटमेंट डिसीजन होगा तो ही आओ, नहीं तो मत आना, ऐसे ही। तो अभी आने का मन कर रहा है, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है।
ये आपको ना मनाना चाहते हैं, मतलब इनकी तरफ से ऐसा लग रहा है ना कि इनका मन कर रहा है बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। तो जो आपने कहा है, जो कुछ हो नहीं सकता या कुछ भी है, पर समाओ ना ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक एक सोल्यूशन निकाल के आना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो, कुछ तो एक कुछ तो ऐसा सोल्यूशन हो, या मतलब ये तो बात करना चाहते हैं कि इस बात का कुछ सोल्यूशन है, तुम्हारे पास तो कुछ सोल्यूशन होगा तो बताओ। इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये रात को आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई सोचते हैं, स्पेशली टाइम 1 to 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये आपकी फोटोज़ या जो भी डीपी प्रोफाइल स्टोरीज है, ये देखे बिना ये सो नहीं सकते, काफ़ी देर ऐसे ना देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि एक मून की एनर्जी भी फील हो रही है मुझे। इनको ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अजीब सी बेचैनी है, कि जैसे कुछ खो जाएगा, कुछ खो रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि आपने मूव ऑन कर लिया है या मूव ऑन करने की सोच रहे हो, उसकी वजह से ना इनको बहुत बेचैनी हो रही है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया क्या, मतलब कैसे हो सकता है, या कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब कैसे हो, मतलब कि कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। ये बोलने के लिए ना बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब बात करने की आ रही है या बात सहने की आ रही है ना, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कभी कभी इनका ऐसा फील होता है कि आपने ये सेपरेशन का दर्द कैसे सह लिया, इनसे इतना ज़्यादा दर्द सहन नहीं होता। ये जो भी पर्सन है आपके ना, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, भले दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, मतलब ये ऐसे आप लोग हो ना कि अगर ये प्यार करते हैं तो डिसीजन तो ले सकते हैं, लेकिन प्यार ये अलग है, ये इनकी सोल लेवल पे है या बहुत दिल से है, बहुत दिल से है, लेकिन इसके लिए ना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये रेडी नहीं है, या उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ डिसीजन में गड़बड़ी की है, क्योंकि मुझे बार बार जजमेंट की एनर्जी फील हो रही है। कुछ तो है जो डिसीजन में इन्होंने गड़बड़ी की है, या फिर डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं वगैरह, ऐसा कुछ तो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फ्री बर्ड होने की एनर्जी अगेन फील हो रही है, कि ये ना फ्री होना चाहते हैं, लेकिन अपनी खुशियाँ, मतलब खास करके ना आपके साथ बिताए पल है, वैसे कुछ ना उनको लगता है ना कि ये वापस मिलना चाहिए, ये ऐसी लाइफ होनी चाहिए जहाँ पे आप हो और वो पल वैसे हो। जे इनिशियल हो सकता है इनका, ट्रैवल ट्रैवल की एनर्जी है, कि ये आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसा कुछ फील हुआ, आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, या आप लोगों की, मतलब ये समाओ ना ऐसा लगता है ना कि जैसे कुछ चीज़ें ना पॉसिबल नहीं है, ये इनको पता है, बट इन्होंने ना अपने ख्यालों में एक दुनिया बना ली है, ये इनकी दुनिया आपके साथ है, आपके साथ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं और अलग ही एनर्जी फील करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके साथ वाले रिश्ते हो सकते हैं अच्छे हो, बुरे हो, जो भी हैं, बट आपके साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, यूनिक है, और उस दुनिया में, उस ख्यालों में वो आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, और वो मोमेंट जीना चाहते हैं, वो मोमेंट जीना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक इमेजिनेटिव दुनिया है जहाँ पे ना अब दोनों के बीच में ना कोई दूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ये बहुत खूबसूरत दुनिया है, ऐसा कुछ इमेजिनेशन है, ये ना बहुत बड़ा एक मैनिफेस्टेशन के जैसा मतलब एक सीन क्रिएट कर रहा है। जितनी स्ट्रॉन्ग इनकी इमेजिनेशन और वो सब चीज़ है, और ये बार बार जो सोच रहे ना, ये मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर रहा है, और ये लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये ना एक विश कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ उनके लाइफ में खुशी आ जाए, ज़िंदगी आ जाए, और हो सकता है ना फिर इसकी वजह से ही अपने आप ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अपने आप ही हो जाए सब।
फ्री वर्ड की एनर्जी इतनी फील हो रही है। देखो ना, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं ये इंसान, एकदम डीपली आपके बारे में सोचते हैं। स्पेशली नाइट टाइम में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक अलग ही जोन में जाती है, और ये एक ख्याली दुनिया बना चुके हैं, बनाते हैं हर टाइम। शायद ये दुनिया अलग होती है, लेकिन आप लोग का यूनियन इमेजिन होता है कि आप लोग मिले हो, आप कहीं गए हो, कहीं समय मुझे ना कहीं ऐसा कुछ भी लगा कि शादी इमेजिन करते हैं। वो भी है कि आप फेरी ले रहे हो वगैरह टाइप, वो भी हो सकता है, तो वो भी है। एंड बहुत खूबसूरत दुनिया इमेजिन करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हो नहीं सकता, बट इमेजिन करने में, सोचने में प्रॉब्लम क्या है, ऐसे कुछ फील होता है मुझे। और ये बहुत ज़्यादा एक सोच समझ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये ना लाइफ है ना, फ्री होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, एकदम फ्री। कि उनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ जब फील होंगे ना, तो मतलब आपके साथ जो रहते हैं ना, ये एक फ्री होने की एनर्जी फील होती है उनको। वो चीज़ है, ये सोच समझ के आ रहे हैं, ये सोच समझ के आ रहे हैं। मतलब कुछ तो है ना, जैसे मैंने कहा ना, डिसीजन या कुछ तो है, कमिटमेंट रिलेटेड बात है जो आप लोग के बीच में है, जो अटकी हुई है, और इनके पास इतना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव एनर्जी में है, और अगेन ड्रीम्स के थ्रू और टेलीपैथिकली कनेक्शन के थ्रू इनको आपका नाम दिखता है, आपके रिलेटेड सपने आते हैं, सब कुछ है, बट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका कनेक्शन क्या है। बहुत पैशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, सब कुछ है। मतलब इट्स लाइक आपके साथ होना ना, इनको जैसे एक डिज़ायर जैसा फील हो रहा है। ये आपके सामने ना आना ना एक रीज़न हो सकता है कि ये अपने ख्याल ही दुनिया को इतने स्ट्रांग कर चुके हैं कि आपका सामने होना लिया ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उनको हर्ट करता है, कि जैसे आप नहीं समझ पाओगे, सुन नहीं पाओगे, इसकी वजह से नहीं आना चाहेंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है, लाइक लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, एक आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, स्पेशली नो किड्स, शादी, बच्चे, ये आपके साथ है ना, एक फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा फील करें, फ्री एनर्जी, लाइक ना एक हो सकता ना जैसे कि इंजॉय करते, बच्चे बन जाते हो, खुश हो जाते हो। बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, जैसे कि आपने मोन कर लिया ना, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा ना परेशान करी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर करी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर करी है। तो इनका आना हो सकता है आपकी तरफ 4 डेज में, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी एकदम एक्टिवेट हो रही है ना, जिस तरह से एनर्जी स्लो है बट एकदम स्टेडी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।